हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर पेट्रोल बम घिरा दिया। पेट्रोल 2.07 रुपए फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.99 रुपए फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल 10.92 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 9.79 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। बैन सूबाई सहरा एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग का शिकार। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर परेशानी से दोचार। लोरालाई मुल्तान सहरा राखी गाज कई घंटों से बंद। ट्रकों पर लोड सब्जियां और फल खराब होने का खदशा। मोबाइल सिग्नल ना होने के बायस रबते भी मुनकता हो गए। सैलाब से मुतासरा घरों में होकर आई हूं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हुक्म पर सबकी तकालीफ जल्द दूर करेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की फाजत पर आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा, वादा करती हूं हमसे जो भी हो सका करेंगे। आपके घर और माल मवेशी और फसलों का अजाला भी होगा। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन कैंप का भी दौरा किया। मुतासरीन को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज बच्चों में घुल मिल गई। अपने हाथों से सैलाब से मुतासरा बच्चों को जूस पिलाया। लैया में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए इकदाम जारी। सूबाई वजीर शहाबुद्दीन, MNA मजीद नयाजी, DC इम्तियाज खिची का मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन का करोड़ में सैलाब की तबाहकारियां रोकने के लिए हिफाजती बंद बांधने का मुतालबा। जबकि सूबाई वजीर का कहना था लैया के 89 मुआवजात जात को आफत जदा करार दिया जाए। रोही TV का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी और मुतासरीन की आवाज बना। कोटद्दू, कोटछुट्टा, फाजिलपुर, राजलपुर, तौनसा हो या डेरा गाजी खान, सैलाब ने बखेरी हर तरफ तबाही की दास्तान। अबरे रहमत गरीबों के लिए जहमत बन गई। पानी ने गरीबों से छतें छीन ली। लाखों एकड़ पर फसलें सैलाब की नजर। पानी माल मवेशी भी बहा ले गया। मुतासरीन खुले आसमान तले मसीहा के मंतजर। डीजी खान का मौजा मामूरी, सैलाब की तबाही की जद में आ गया। सैलाब से कपड़शाह बस्ती, रमजान बस्ती, लाशारी मुकम्मल तबाह। मुतासरीन ताहाल हुकूमत इमदाद से भी महरूम। सैलाब लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बहा ले गया। मुतासरीन का हुकूमत से फौरी तौर पर माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा। उधर अलीपुर में सैलाब का खतरा बरकरार। बस्ती नाइच दरिया सिंध की जद में आ गई। इलाका मकीनों के घरों में पानी दाखिल, फसलें भी जेरआब। मुतासरीन भूखे प्यास से बेहाल, दरिया किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। तौनसा शरीफ में दरिया सिंध का बड़ा रेला। 50 से ज्यादा बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। बुखारा, फतेह खान, कराची, मोगा, चरकन, कालूवाला, फगन मडल, बैटचनड़ जेरेआब। कपास, चावल, तिल की फसलें तबाह। बेघर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। हुकूमती इमदाद ना होने के बराबर मकीन अपनी मदद आपके तहत हिफाजती इकदाम में मसरूफ। उधर मुजफ्फरगढ़ की 3 तहसीलों में भी सैलाब ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। दरिया सिंध के बाद चनाब में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। मुतासरीन गर्मी और हब्स में सड़क पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का अहम इकदाम। सैलाब से मुतासरा तलबा के लिए सेमेस्टर फ्री करने का ऐलान। यूनिवर्सिटी ने फाजिलपुर, राजनपुर और रुझान समेत सैलाब से मुतासर इलाकों के बच्चों के लिए सेमेस्टर फ्री कर दिया। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर पेट्रोल बम घिरा दिया। पेट्रोल 2.07 रुपए फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.99 रुपए फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल 10.92 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 9.79 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। बैन सूबाई सहरा एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग का शिकार। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर परेशानी से दोचार। लोरालाई मुल्तान सहरा राखी गाज कई घंटों से बंद। ट्रकों पर लोड सब्जियां और फल खराब होने का खदशा। मोबाइल सिग्नल ना होने के बायस रबते भी मुनकता हो गए।
सैलाब से मुतासरा घरों में होकर आई हूं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हुक्म पर सबकी तकालीफ जल्द दूर करेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की हिफाजत पर आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा, वादा करती हूं हमसे जो भी हो सका करेंगे, आपके घर और माल मवेशी और फसलों का अजाला भी होगा। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन कैंप का भी दौरा किया, मुतासरीन को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मरियम नवाज बच्चों में घुल मिल गई, अपने हाथों से सैलाब से मुतासरा बच्चों को जूस पिलाया। लैया में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए इकदामात जारी। सूबाई वजीर शहाबुद्दीन, MNA मजीद नयाजी, DC इम्तियाज खिची का मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन का करोड़ में सैलाब की तबाहकारियां रोकने के लिए हिफाजती बंद बांधने का मुतालबा। जबकि सूबाई वजीर का कहना था लैया के 89 मुआवजात जात को आफत जदा करार दिया जाए। रोही TV का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी और मुतासरीन की आवाज बना। कोटद्दू, कोटछुट्टा, फाजिलपुर, राजनपुर, तौंसा हो या डेरा गाजी खान, सैलाब ने बखेरी हर तरफ तबाही की दास्तान। अब्र रहमत गरीबों के लिए जहमत बन गई। पानी ने गरीबों से छतें छीन ली, लाखों एकड़ पर फसलें सैलाब की नजर। पानी माल मवेशी भी बहा ले गया, मुतासरीन खुले आसमान तले मसीहा के मुंतजर। डीजी खान का मौजा मामूरी, सैलाब की तबाही की जद में आ गया। सैलाब से कपड़शाह बस्ती, रमजान बस्ती, लाशारी मुकम्मल तबाह, मुतासरीन ताहाल हुकूमत इमदाद से भी महरूम। सैलाब लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बहा ले गया, मुतासरीन का हुकूमत से फौरी तौर पर माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा। उधर अलीपुर में सैलाब का खतरा बरकरार, बस्ती नाइच दरिया सिंध की जद में आ गई। इलाका मकीनों के घरों में पानी दाखिल, फसलें भी जेर आब, मुतासरीन भूखे प्यास से बेहाल, दरिया किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। तौंसा शरीफ में दरिया सिंध का बड़ा रेला, 50 से ज्यादा बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गईं। बुखारा, फतेह खान, कराची, मोगा, चरखन, कालूवाला, फगन मड़ल, बैटचनड़ जेरेआब, कपास, चावल, तिल की फसलें तबाह। बेघर अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। हुकूमती इमदाद ना होने के बराबर मकीन अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इकदाम में मसरूफ। उधर मुजफ्फरगढ़ की 3 तहसीलों में भी सैलाब ने तबाही की दास्तान रकम कर दी। दरिया सिंध के बाद चनाब में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी, मुतासरीन गर्मी और हब्स में सड़क पर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी का अहम इकदाम, सैलाब से मुतासरा तलबा के लिए सेमेस्टर फ्री करने का ऐलान। यूनिवर्सिटी ने फाजिलपुर, राजनपुर और रुझान समेत सैलाब से मुतासर इलाकों के बच्चों के लिए सेमेस्टर फ्री कर दिया।